जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कोरोना काल में और कोरोना के महामारी में गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, गरीब लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री अनाज योजना देने की शुरुआत की थी, जो अप्रैल 2020 ईस्वी में शुरू हुआ था। केवल 3 महीने के लिए ये योजना आई थी। 2020 से शुरू हुई ये योजना 2022 तक अभी जारी है। पहली बार ये फ्री अनाज योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 ईस्वी में शुरू हुआ, जो केवल 3 महीने के लिए हुआ था, यानी जून 2020 तक हुआ था। फिर इसे बढ़ाकर जून 2020 ईस्वी से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 ईस्वी तक किया गया। फिर 30 नवंबर 2020 से बढ़ाकर इसे 31 मार्च 2022 तक किया गया। इस तरह 3 महीने के लिए शुरू हुआ ये फ्री अनाज योजना 2 साल तक जारी रहा। अब लग रहा था कि 31 मार्च को ये फ्री अनाज योजना जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कैबिनेट मंत्री की बैठक में पीएम की अध्यक्षता में इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल गया है और 6 महीने के लिए और ये योजना को बढ़ा दिया गया है। यानी अब 30 सितंबर तक हर एक कार्ड धारकों को, जिसके पास राशन कार्ड है, उनको 30 सितंबर तक फ्री अनाज मिलेगा। हर एक व्यक्ति को हर एक महीना में 5 केजी अनाज मिलेगा, जिसमें 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं मिलता है। PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है। अभी तक 31 मार्च तक सरकार को इस योजना के तहत 2.68 लाख करोड़ रुपया का खर्च हुआ है। संसदीय अस्थायी समिति ने खाद्य मंत्रालय से पूछा है कि इस फ्री अनाज योजना को आगे कब तक जारी रखा जा सकता है, तो खाद्य मंत्रालय ने FCI से इसके बारे में जवाब मांगा है। ये FCI क्या होता है ये जान लीजिए। FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक एजेंसी है। जो भी भारत सरकार की जो फूड से जुड़ी हुई जो भी सामाने हैं, उसका देख रेख करना, उसका रख रखाव करना, सब FCI के द्वारा होता है और FCI खाद्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। FCI के तरफ से इसका जवाब आया है कि भंडार में पर्याप्त अनाज नहीं है, जिस कारण से ये फ्री अनाज स्कीम को और अधिक दिन चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को इस स्कीम को आगे जारी रखने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। फिलहाल सरकार तो इस योजना को आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। देखते हैं सरकार इस योजना को जारी रखने के लिए और क्या खर्च करती है। पहले ही 2.68 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, आगे अगर ये 6 महीने के लिए बढ़ाई है तो कितना सरकार इस पे पैसे खर्च करती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।